में यूनिक है, पूरे देश के अंदर आने वाले वक्त में ऐसी जरूरत है। एक तरफ हम गौ माता मानते हैं गायों को, और जब उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो दुख में पीड़ा भी होती है। आवारा पशु के रूप में कई बार खेत खराब हो जाते हैं, फसलें चौपड़ होती है, अकेले रहते हैं, गाय मर जाती है, कई बार मनुष्य मर जाते हैं। ये काम जो प्रायोरिटी लेकर के इन्होंने तय किया है, और 1500 गोधाम यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इनका जो प्रयास है वो कामयाब होगा, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। जब मैं आज वहाँ गया, वन चरोदा गांव जहाँ गोदाम में देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि गांधी जी का 150 वर्ष चल रहा है, जिस गांधी ने देश को आजाद करवा दिया, अहिंसा के रास्ते पे चल करके, जिस गांधी जी सानिधि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना अबू कलाम आजाद ने लंबा संघर्ष किया, बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ में, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और जिस रूप में देश को आजाद करवा के लोकतंत्र की स्थापना करी, आज लोकतंत्र जिंदा है देश में 70 साल के बाद में भी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान साथ साथ में आजाद हुए थे, पाकिस्तान ने बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्रियों को जेल, और तो जुल्फिकार भुट्टो जो उनके प्रधानमंत्री रहे थे जेल भेज के फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये इतिहास तो पाकिस्तान का है, हमारा इतिहास 70 साल के बाद में भी प्रधानमंत्री और सरकार बदल दी गई, 5, 6, 7, 8 प्रधानमंत्री बने, परंतु लोकतंत्र कायम रहा। इसलिए आज आप माई बाप के रूप में बैठे रहते हैं, मतदाता जो है वो लोकतंत्र माई बाप है, वो तय करता है किस पार्टी को सत्ता में बैठाना है। इसलिए मैंने कहा कि आज आपने 15 साल के बाद में कांग्रेस के लीडरशिप पर, भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अच्छे से जो काम किए, आपकी आवाज को बुलंद किया, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया, उसका परिणाम है कि जनता ने एक मौका दिया। और आप निश्चित मान के चले कांग्रेस ने जो महात्मा गांधी की दी हुई नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, उसके आधार पर देश चलता आ रहा है। और महात्मा गांधी का सपना था उस जमाने के अंदर, आजादी के बाद में ग्राम उद्योग लगने चाहिए, तब जाके गांव तक रोजगार पहुंचेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तब जाकर के दिल्ली में बैठ के सरकार नहीं चलेगी, गांव तो सत्ता जानी चाहिए। तो पंचायत समितियों के, नगर पालिकाओं के स्थापना की गई, पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर से स्थापना की थी पंचायत राज की 59 के अंदर। तो सिस्टमेटिक तरीके से काम हो गए, तो आज आप देख रहे सत्ता का विकेंद्रीकरण है, और गोथान का जो कंसेप्ट लेके आए हैं बघेल साहब, गांधी जी का सपना था कि गांव गांव में ग्रामीण उद्योग लगे छोटे बड़े, जिससे कि गांव की महिलाओं को, वहां के पुरुषों को, नौजवानों को काम मिल सके। मैंने देखा वहां पर सभी छोटे छोटे उद्योग बनाने वाले वहां बैठे हुए थे, सोलर से बिजली पैदा हो रही है वो ही काम आ रही है, गायों की देखभाल हो रही है, चारा का उत्पादन भी हो रहा है और उनका उपभोग भी हो रहा है, वहां पर खाद वहीं बनाई जा रही है, ऑर्गेनिक खाद। तो इस प्रकार से बहुत शानदार तरीके से काम शुरू हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं आज देखने आया, और मैं कहना चाहूंगा कि 70 साल के बाद में, जो 70 साल पहले आजाद हुए थे, तो ना बिजली क्या होती लोग समझते थे, आज 70 साल के बाद में लोकतंत्र कायम रहा, ये कोई कम बात है। जिस मुल्क में सुई क्या है वो बनती थी बाहर के मुल्कों में, वहां जाती थी यहाँ पर आजादी के वक्त में, बिजली गांव में लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है, ना सड़कें थी, ना स्कूल, ना अस्पताल,
ना पानी ना बिजली, वो स्थिति देश में थी। आज हम उपग्रह छोड़ रहे हैं, मंगल ग्रह पर छोड़ रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, मोबाइल फोन लेके चलते हैं, जो राजीव गांधी का सपना था 21वीं सदी में जाने का, मोबाइल फोन हर हाथ के अंदर है, कंप्यूटर आ गए, कितनी सुविधाएं हो गई है। सारी स्कीमें आज आईटी के माध्यम चल रही है, पारदर्शिता की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार के जो क्रांतिकारी काम हुए वो 70 साल में हुए हैं, पंडित नेहरू की सोच के कारण हुए हैं। इंदिरा गांधी जी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए उसने, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, पर नई पीढ़ी को बातें मालूम नहीं। उसका दुरुपयोग वो लोग कर रहे हैं जो आज कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश में। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोलना सत्ता पक्ष के लोगों को और प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, आगे आपका क्या सपना हो बताओ जनता को, आप करके दिखाओ, खुशी होगी हम लोगों को। ये तो लोकतंत्र है, सरकारें बदलती रहती है, हर व्यक्ति का काम है कि मैं कैसे अच्छा काम करके दिखाऊं। तो जिस प्रकार की जो माहौल बनाया गया है देश के अंदर, और सारी एजेंसी है, जुडिशरी हो, CBI, ED, इनकम टैक्स, सबका भय दिखाया जा रहा हो, निर्दोष लोगों को भी जेल में डाला जा रहा हो, इस माहौल में आज देश में भय का माहौल है, डर का माहौल है, हिंसा का माहौल है, और आर्थिक रूप से हम लोग बहुत तकलीफ में आ गए हैं। सारे व्यापार धंधे ठप हैं, उद्योगी दुखी हैं, नौकरी लगने तो दूर की बात है नौजवानों की। सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है नौकरी कैसे लगे। लगनी बात तो छोड़ो, लगी हुई नौकरी भी जा रही है पूरे देश के अंदर, तो ये जनता को कैसे बनावा। सरकार वही कामयाब होगी आने वाले वक्त में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो नौजवानों का ख्याल रखेगी, क्योंकि 70% आबादी 30 साल के नीचे की उम्र के लड़कों की हो गई है। नौजवानों को उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। सब सरकारों की ड्यूटी है कि हम कैसे ध्यान केंद्रित करें जिससे कि अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिले। इसलिए मैंने कहा गोथान का भी जो काम है वो भी कम से कम गांव के लोगों को रोजगार तो मिले, जिसकी शुरुआत की गई। इस प्रकार से चौमुखी विकास कैसे हो छत्तीसगढ़ का, इसमें भूपेश बघेल साहब इनका मंत्रिमंडल के साथी सब लोग लगे हुए हैं, और आपने भी बड़ी कृपा करी कि आपने 19 से ज्यादा 3/4 बहुमत दिया यहाँ पर, उसके लिए मैं आपका कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसी आपकी अपेक्षाएं आशाएं हैं, आप निश्चिंत रहो, भूपेश बघेल के नेतृत्व में आपकी आशाएं आपकी अपेक्षाएं जो आपने बांध रखी है उस पर जम के काम होगा, पूरा करने का प्रयास होगा, और छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़े। यहाँ कई समस्याएं भी, नक्सलवाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिसका मुकाबला पूरा छत्तीसगढ़ मिलकर कर रहा है। कई घटनाएं ऐसी हुई है जिसका जिक्र मुझे ज्यादा आप जानते हो, कैसे वहां शांति स्थापित हो, सद्भाव वापिस आए, भाईचारा आए, ये छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है जिसमें ये लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सरकार आती जाती है, हमने कई बार देखा। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, जो महान नेता थी, बांग्लादेश का उदय करवा दिया, पाकिस्तान का दो टुकड़े करके, मैंने कहा भी आपको, 74 में परमाणु विस्फोट कर दिया राजस्थान के पोखर के अंदर, गरीबी हटाओ की बात करी, नारा दिया, पाकिस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के लोग भी अमेरिका से गेहूं मंगाते थे भीख मांग करके के खिलाने के लिए, यानी जनता को। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति कर दी, किसानों के बलबूते पर हम लोग कामयाब हुए और आत्मनिर्भर बन गया देश। तो इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी एक मौका आया कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और सरकार नहीं बनी हमारी, वही आप लोगों ने, जनता ने 2-2.5 साल के अंदर ही वापिस आंधी चलाई और इंदिरा गांधी जी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनी। तो इतिहास में लोकतंत्र में सरकार आती जाती है, सरकारें आती है उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जिसकी सरकार जाती है उनको मैंडेट मिलता है जनता का विपक्षी भूमिका अदा करने का, सरकारी कमजोरी कमी बताने का।
बताने में कांग्रेस ने कोई कमी रखी नहीं, फिर भी जनता को गुमराह करके किस प्रकार से राष्ट्रीयता के नाम से हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या, सेना के बीच छिप करके। अरे सेना का पराक्रम तो हमेशा रहा है आजादी के बाद, अब 62 की लड़ाई हो चाइना के साथ में, पेशन की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, पिपोतर की लड़ाई हो बांग्लादेश की आजादी के लिए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कारगिल युद्ध हुआ था वहां भी हमारी फौजों ने कमाल करके दिखाया। अभी फौजों ने जब मौका मिला उनको पाकिस्तान टारगेट बनाया, हम लोगों को गर्व होता है। तो उसको आप जिस प्रकार राजनीति में उलझा देते हो चुनाव जीतने के लिए, ये अच्छी परंपरा नहीं है, अहम घमंड काम नहीं आता है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में तो प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से विनम्र भाव से अच्छे व्यवहार से आशीर्वाद मांग करके जनता का चुनाव जीता जाता है। तो मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सब मिलकर के जो मौका दिया आपने कांग्रेस सरकार को उनको और अधिक मजबूत करें, और सरकार की योजनाओं को जो गांव के लिए गरीब के लिए होती है, दलित के लिए होती है, पिछड़ों के लिए होती है, अल्पसंख्यकों के लिए होती है, पिछड़ा वर्ग के लिए होती है, वहां तक योजनाओं का लाभ मिले, ये आम जनता का फर्ज बनता है, कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है। मैं उम्मीद करता हूं उसमें आप लोग पीछे नहीं रहोगे। ये बात कहता हूं, मुझे अवसर आ गया आपके बीच में आने का अचानक ही, मुझे इच्छा थी गोथान देखने की, और जब मैं आया तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा आपको ये प्रोग्राम में चलना है, मुझे खुशी हुई, इसी बहाने में आप सबके दर्शन कर सका और मिल सका, अपनी बात कर सका। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अब हम आज का जो हमारा कार्यक्रम है आगे बढ़ाते हुए आबादी पट्टा वितरण, मैं हितग्राहियों का नाम ले रहा हूं, भाई जीत सिंह जी, देव सिंह ध्रुव जी, पिता बुद्धू ध्रुव, कोमल चक्रधारी जी, किशुन साहु जी, बल्दू निषाद जी, अब्दुल जब्बार जी, बुद्धू राम यादव जी, लक्ष्मण सिंह जी, आप सभी को आबादी पट्टा। इसके पश्चात कृषि विभाग बैटरी स्पेयर वितरण, हितग्राही चंद्रिका चक्रधारी, शत्रुघ्न विश्वकर्मा, ताराचंद साहू, गजानंद साहू तैयार रहे। उसके पश्चात मत्स्य विभाग आइस बास वितरण, हितग्राही पुनारत जी, परमेश्वर जी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जनपद पंचायत अभनपुर से हितग्राही का नाम सोनमत भाई ग्राम पटेवा राशि 1,35,000, केसर भाई ग्राम कोरपा राशि 1,35,000। आप दोनों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत ऋण स्वीकृत हुआ है। अगले NRL LM बैंक लिंकेज योजना कृषि कार्य हेतु, इनको
इन समूह का नाम है लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ग्राम हसगा राशि टोला। प्रतीक चिन्ह लेकर आ जाएंगे, मेरा पूर्वे जी से अनुरोध, प्रतीक चिन्ह क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, प्रतीक चिन्ह लेकर आ जाएंगे। बाकी जिनको मिलना है मैं नीचे जाऊंगा रोल और रूम से। प्रतीक चिन्ह जल्दी है, मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें भी प्रतीक चिन्ह देंगे, प्रदान करेंगे। साथ ही हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय श्री शिव कुमार धरहरिया जी नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। चलिए आपको अगली खबर बता